नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल पालक और बथुआ, साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। हेल्दी तो होगा ही और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं देखने कैसे बनाना है और क्या क्या लेना है। इस दाल को आप राइस के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। हेल्दी हेल्दी और टेस्टी टेस्टी दाल बनाने के लिए मैंने आज यहाँ पर लिया है एक प्याज लिया है, बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से, और ये लहसुन लिया है, इसे भी काट लिया है, कूटा नहीं है, और यहाँ पर हरी मिर्च को काट लिया है, और ये एक टमाटर ले लिया है, उसे भी कट कर लिया है इस तरह से, और यहाँ पर लिया है बथुआ। बथुआ को अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया है, धोने के बाद इसे कट कर लिया है। जब भी पत्तेदार सब्जियों को बनाएं आप, तो उसे अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी वगैरह होती है। हमारे तो ऑर्गेनिक है, बिल्कुल हमारे किचन गार्डन का है बथुआ, और यहाँ पर उतने ही जितना लिया है मैंने, ये करीब 200 ग्राम के आसपास, और ये उतने ही लिया है मैंने ये पालक। पालक को भी अच्छी तरह से धो करके कट कर लिया है, और लिया है यहाँ पर एक मुट्ठी मूंग की दाल और एक मुट्ठी लिया है मसूर की दाल। इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। अब यहाँ पर गैस बंद ऑन करके यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 चम्मच। तेल गरम होते ही डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग डाल देंगे। हमारा जीरा तड़क गया है, अब इसमें डाल देंगे प्याज, जो कट करके लहसुन रखा था इसे भी इसी समय डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हमारे प्याज भून गए हैं, अब इस समय डाल देंगे जो टमाटर काट के रखा हुआ था, इसे भी साथ में पका लेंगे। इसी समय मैं डाल दूंगी नमक। नमक मैं पूरे दाल के लिए डाल रही हूँ, और साथ में भून लेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, इन सभी को भून लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले जो है अच्छी तरह से पक गए हैं, टमाटर गल गए हैं। बिल्कुल 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब इसी समय बथुआ जो कट करके रखा है इसे डाल देंगे, और पालक भी डाल देंगे। इन सबको चला देंगे अच्छी तरह से, उलट पलट कर देंगे। पत्तेदार सब्जियां बहुत जल्दी गल जाती है, और जो ऑर्गेनिक होती है वो तो और भी जल्दी गल जाती है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा जूस होते हैं साग में, तो इस वजह से पत्ते वाली सब्जियों में। तो इस तरह से देखिए पलट पलट करते ही कितना गल गया। इसी तरह से 1-2 मिनट और इसे भून लेंगे। ये देखिए हमारी जो साग है, इस तरह से हम दाल में डालेंगे तो कितना टेस्टी बनेगा। बहुत ही हेल्दी भी बनता है और टेस्टी भी बनता है। इस तरह से आप बना कर खाएंगे तो आपको सब्जी की कमी महसूस नहीं होगी। आप इसी के साथ दाल चावल भी खा लेंगे या रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने पालक और बथुआ को 2 से 3 मिनट इसे पका लिया है। 3 मिनट में देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। यदि आपको ऐसे खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, नमक कम डालेंगे, मैंने पूरी दाल के लिए डाला है, तो आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं कर लेती हूँ गैस बंद और इसे उतार लेती हूँ। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर कुकर लिया है, और कुकर में ये दाल डाल देंगे। मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया था, अब इन दालों को अच्छी तरह से कुकर में डाल देंगे। बिल्कुल कम मसाले में बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए अब ये डाल देंगे जो पालक मैंने गलाया हुआ था। इसी पैन में मैं डाल दूंगी पानी, कि जो भी लगा है हमें दाल में पानी तो डालना ही है, तो इसे धो करके और जो होगा वो पानी डाल देंगे दाल के अंदर। मैं पानी थोड़ा सा और डाल दूंगी। पानी उसी तरह से डालिए जितना आपको गाढ़ा या पतला रखना हो,
उसी हिसाब से पानी डालिए, ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा मत रखिए। तो मैंने इतना डाला है, करीब 2-2.5 कप के करीब डाला है पानी इसमें। मैंने मूंग की दाल इसमें डाला हुआ है, तो मूंग की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, मूंग और मसूर। तो मैं इसे 1 सीटी लगवाऊंगी, उसके बाद सिम करके छोड़ दूंगी। सिम करके 2 सीटी आएगा, उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। ये देखिए गैस पे मैंने रख दिया है, फ्लेम को मीडियम ही रखा है। 3 विसिल लगाने के बाद देखिए बिल्कुल प्रेशर इसमें नहीं है, ठंडा हो चुका है ये हमारा कुकर। अब इसका ढक्कन खोल लेंगे। ये देखिए हमारा दाल बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे हल्के हाथों से एक बार मिला लेंगे और कर देंगे सर्व। फिर ये देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी सा दाल बिल्कुल है तैयार। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। इस तरह से आप बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस टेस्टी टेस्टी दाल के साथ आप रोटी पराठे या राइस खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।